गुड इवनिंग बच्चे, आज हम लोग क्लास 9 का लेसन 2 में सब्जेक्ट केमिस्ट्री, जिसमें रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ेंगे। इसके आधार पर पदार्थ को दो भाग में बांटा है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, जैसे ऑक्सीजन गैस, जल, सोडियम क्लोराइड। अशुद्ध पदार्थ वे पदार्थ जिसे भौतिक विधि द्वारा दो या दो से अधिक भागों में बांटा जा सकता, जैसे शरबत। शरबत से हम चीनी और पानी को अलग कर सकते हैं। उसके बाद हवा में विभिन्न गैस है, उसको भी अलग किया जा सकता है। अब आइए शुद्ध पदार्थ का प्रकार। पहला है तत्व। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे दो या दो से अधिक भागों में बांटा नहीं जा सकता, जैसे हाइड्रोजन तत्व, ऑक्सीजन तत्व, नाइट्रोजन तत्व, कॉपर तत्व, सल्फर तत्व इत्यादि। तत्व के प्रकार, तत्व मुख्य रूप से दो प्रकार, नंबर एक धातु और दूसरा अधातु। धातु किसे कहते हैं? धातु वे हैं जिसमें विशेष प्रकार की चमक, तन्यता, कठोरता, ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालकता इत्यादि गुण पाए जाते हैं, जैसे सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, पारा इत्यादि। दूसरा ये अधातु। अधातु वे हैं जिसमें चमक, कठोरता, तन्यता, ऊष्मा एवं विद्युत की सुचालकता का गुण नहीं पाया जाता, बल्कि वह मुलायम होता है, भंगुर होता है इत्यादि गुण उसमें पाया जाता है। अब आइए शुद्ध पदार्थ का एक प्रकार यौगिक। यौगिक वे हैं जो निश्चित अनुपात से मिलकर बने होते हैं, जिसके अवयवों को सामान्य विधि से या भौतिक विधि से अलग किया नहीं जा सकता, उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल एक यौगिक है, नमक एक यौगिक है, संगमरमर एक यौगिक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक यौगिक है। अशुद्ध पदार्थ के प्रकार, नंबर एक मिश्रण। मिश्रण किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं तथा जिसके अवयवों को सामान्य विधि से अलग किया जा सकता है, जैसे हवा, शरबत है ना इत्यादि। मिश्रण को अलग करने की विधि, मिश्रण को भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। सबसे पहला है उसका हाथ से चुनकर, जैसे क्या कहते हैं, चावल में कंकर की मात्रा, उसको हाथ से चुनकर अलग किया जाता है। दूसरा मंथन विधि। मंथन विधि क्या है? जब पदार्थ को है ना उसके केंद्रीय भाग पर तेजी से घुमाया जाता है तो इस प्रकार उसके अवयव अलग अलग हो जाते हैं, जैसे दूध से क्रीम प्राप्त करना। तीसरा है छानना, जैसे जल से बालू को अलग करना, उसे छन्ना विधि द्वारा है ना उसे अलग किया जा सकता है। चौथा है चुंबकीय विधि। यह विधि क्या है? यह जब दो पदार्थ, एक पदार्थ उसमें चुंबक की ओर आकर्षित होने वाला होता है, दूसरा उसके प्रति आकर्षित नहीं होता, जब उसको चूर्ण बना करके उसमें चुंबक डाला जाता है तो चुंबक में चुंबकीय पदार्थ सट जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं और इस प्रकार हुआ और चुंबकीय पदार्थ से अलग हो जाता है। पचमा है उद्पातन। उद्पातन है क्या? उद्पातन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई ठोस बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तन हो जाता है। इसके द्वारा भी मिश्रण के अवयव को अलग किया जाता है, जैसे नौसादर और नमक के मिश्रण से नौसादर को अलग करना। अगला है वाष्पन। वाष्पन क्या है? है ना, जब वाष्पन विधि द्वारा जो है, वाष्पन क्रिया क्या है? वाष्पन एक ऐसी प्रक्रिया है जो एक निश्चित ताप पर वह पदार्थ द्रव से वाष्प में परिणत होने लगता है,
इसको वाष्पन प्रक्रिया कहते हैं। जैसे शरबत से हम चीनी को अलग करते हैं, जल अलग हो जाता है और चीनी अलग हो जाता है। अगला है रवाकरण। रवाकरण द्वारा भी है ना उसको रवा के रूप में, ठोस के रूप में प्राप्त करना है ना, मिश्रण से अलग किया जाता है। अगला है श्रवण विधि। श्रवण विधि जो है इससे शुद्ध जल प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। एक कम मैंने अथी करके वाष्पित करके उसको पुनः ठंडा करके और द्रव में परिणत करके उसको फिर पुनः द्रव में परिणत किया जाता है, इस प्रकार शुद्ध जल प्राप्त करना है। उसके बाद प्रभाजी श्रवण तथा प्रभाजी श्रवण भी जो है मिश्रण के अवयवों को अलग करने की एक विधि इसी प्रकार। और क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी क्या है? यह जैसे स्याही में भिन्न भिन्न रंग है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना कि वह रंग किस प्रकार अलग अलग हो सकता है या उसमें कौन कौन सा रंग पाया जाता है, द्रव में मिलाकर स्याही कैसे बनाया जाता है, तो इस प्रक्रिया को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। थैंक यू।